का राज जता जुए में, राज जता जुए में, अरे लड़का राज जता जुए में, ओ गिरे रे मट्टी नड़क बोलिया भी, अरे चली जा रे जट दमयंती नटी, जट दमयंती नटी, अरे दमयंती सो गई मनी में रंगन ने साड़ी कट्टी, और बताओ रामचंद्र ने मिला दे सोटा, रामचंद्र ने मिला दे सोटा, वो सीतावन में आई और अपन सुब लंपति ने वो सीता माता ठाई, राम लक्ष्मण चढ़े लड़ने वो लंका धूल मिलाई, रामचंद्र ते कितने दिन रोयो लगो जनक की जाई, सीता जी लंका में कितने दिन रही, कितने दिन रही बताओ, चौदह महीने दस दिन पाछे, चौदह महीने दस दिन पाछे वो फूल बखेर मिले थे, अरे याद रे याद दवांगा जो अटका फेर मिले थे, कली में न्यू बताऊंगा मानस मर गया और मेरे पास से मिल गया, फिर मिल गया बताऊं, द्वापर में कौन मिले बताओ, राम काम देव ने शिव जी छेड़ा, शिव जी भगवान बदले पर बैठा था हाँ, और काम देव के लुगाई थी रखी, समझ भाई, काम देव ने शिव जी भगवान छेड़ दिया, शिव जी ने आंख खोल के देखा काम देव बैठा, उसने शिव नेत्र से तीसरे तिल से उसको भस्म कर दिया, मार दिया, अब वहां रथी जो थी उन्होंने गौर तपस्या करी शिव जी भगवान की, इसलिए उन्हें बौड़ा कहते हैं, गौर तपस्या करी, बौड़ा उस पर खुश हो गया, बोला क्या चाहती है तू, बेटी क्या चाहती है, कि महाराज मेरा वही पति मिलना चाहिए, बोला तेरा पति मिलेगा समरासुर राक्षस के, वहां जाकर रसोईया बन करे ये मच्छी के पेट में आओगे तेरा पति उड़ मिलेगा, अरे काम देव ने शिव जी छेड़ा, काम देव ने शिव जी छेड़ा, रफू का नाश करा था, रति ने शिव की विनती करके वो खुश का राज करा था, खुश का राज करा था, रसमरा सुर का पति मिले आरती ने पास करा था, रसोईया गुप्त मिल में रपिया तलाश करा था, अरे काम देव और रती के जोड़े, काम देव और रती के जोड़े वो
द्वापर की अब कलयुग अब चौथे नंबर आ गया कलयुग का। कलयुग में कौन कलयुग में कौन मिले तो कौन मिले। एक दिन उन्हें सुख होगा रे, एक दिन उन्हें सुख होगा वही जिन्हें काली मिलगी। अरे बत्तसने चंता रंजे ने वाचू शिक्षा ली मिली, शाल कोट के सुखे पका नारियाली मिलगी। कादर पक्षम कितने दिन में अमने अंबाली मिलगी, अमने अंबाली मिलगी। अरे तोरे राज और जवाहरात के, तोरे राज और जवाहरात के ये नाके ढेर मिले थे। बच्चा ला गया पढ़ान ट्यूशन पे। अब चमन जो है ये काम करने लग गया। अब 12 महीने हो गए इस तरह। 100 रुपए एक मंडी आर्डर, एक चिट्ठी अपनी माँ के नाम भेजता है। रास्ते में देव शराबी मिल जाता है, उसकी माँ ने जाने नहीं दी। अब डाकिए से कहे, डाकिए बोलिए साहब, एक काम करिए बोलिए, ये 100 रुपए और एक चिट्ठी अच्छा मेरी माँ के नाम है और किसी को ना दिए, सिर्फ मेरी माँ ने दी। बहुत अच्छी बात। अरे यार पास में पैसा नहीं, दारू कहां से चलेगी। कोई अरे आइए दादा तोता राम। अरे बेटा पोता राम। दादा बोलिए, हमारी तुम्हारी कभी न कभी लड़ाई होगी। क्यों होगी? अरे किसी का खत लाता, किसी का मुनिया डर लाता, किसी का कुछ लाता, किसी का कुछ लाता, हमारा भी ला दिया तेरा कुछ न कुछ। आपका क्या ले? कोई नौकर नहीं, क्या करनी, क्या ले तेरा? अरे कुछ न कुछ तो ला दो। देखो एक चिट्ठी है 100 रुपए, वो तेरी माँ को मिल सकते हैं। ओहो दादा तुम बहुत अच्छे हैं। एक काम करो, बोलिए, चिट्ठी ना बाड़ में डालो, 100 रुपए निकालो। ऐसे नहीं मिलेंगे। और छोटे भाई की गवाही अच्छा, और तेरी माँ के दस्तखत। मेरी माँ के दस्त? अरे तेरी माँ के साइन करवा के लेने पड़ेंगे। अच्छा सिग्नेचर। ठीक है लो, जाओ ले जाओ कागज पेन और जाओ करवा के। अरे तू डाकिया, डाकिया है क्या है? लो ले जाओ। जाओ क्या ले जाऊं? अरे पेन से करो। अच्छा जाओ तू अच्छा। आगे पास जाओ पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे माँ, अरे हाँ रे बेटा, जल्दी आना भाई का मुनिया डर आज रे बेटा, मन तो पेंशन भी ना थे यार। यार माँ का तो हो गया, भाई का कैसे करें? अरे ये भाग है मेरा, छीक दे और भी छीक दे। कमाल है। हाँ भाई किशन, आ भाई तुम भी आना, तुम्हारी आज देनी। आ भाई ले दादा। ठीक है। हाँ दादा लो। दादा बोलिए, एक बात सुन ले। ये 100 रुपये हर महीने आएंगे, ठीक है? हैं? आपने 100 रुपये मेरे को देने हैं। अच्छा। और ये लो, ये 5 रुपये आपके इनाम के हैं। अच्छा। हैं 100 रुपये देता रहिए और 5 रुपये लेता रहिए, ठीक है? हर महीने है, ठीक है? हाँ दादा एक बात बताइए। हाँ? हैं साल के महीने कितने होते हैं? 12। 12 पंजे देख ले कितने हो गए। एक बात बता दाने, 12 पंजे 60। 60 होते हैं एक साल की। चलो साल मैं हिसाब कर दूंगा। लेते नहीं ओए, ये तो मेरी मान के दिए हैं तुम्हें। मेरी मान के दिए हैं दादा, तुम मेरे घर छोड़े ना मत। हाँ दादा बकवास ना करे, मेरे को जानता है तू। हाँ अच्छा, मान मान के दिए। एक ये डाल बोल रहे हो, भारतीय अकड़ी का बोल रहे हैं, बहुत कड़ा बोला है। ठीक आगे मेरे खेले लेगा है, तेरे पे खेले होंगे। और ये तो मन नहीं जाने हैं। अच्छा हाँ। दादा तेरे को देता रहूंगा 5 रुपये हो रहे और क्या। जाओ जाओ। अब और 100 रुपये लेकर
देव शराबी ठेके पहुंचता है, उसकी माँ तीन क्या अनजान दे, उसकी माँ की हालत जो है ना इतनी गंभीर हो गई, इतनी लाचार हो गई, ना खाने के लिए उन्हें अन्न मिलता है, ना पहनने के लिए कपड़ा मिलता है। एक लाहौर में रईस राय बहादुर था, उसका जा नौकर लग गया और उसका काम ये चमन 100 रुपये भेजता है महीने और डाकिये पे खोज ले, उनकी दारू पी जा। और वाह चमन की माँ एक राय बहादुर रईस का नौकर लग जाती है, पैड़ी पूड़ी धो दे, बर्तन मांज दे, बासी कुसी भोजन कुछ आप खा ले, कुछ अपने बच्चे खातर ले आवा किसन खातर, ये हालत उसकी हो गई। अरे ओ ठेकेदार, क्या मतलब है? बाहर आओ, बोतल लेके खड़े हो जाओ करो। ओहो और क्या, पास में पैसा नहीं, कितने उछल गए हैं। अरे पागल कह गए, देखिए ओ बेटे किसकी जेब कटी, मिल गया था तेरे किसाड़ू। अच्छा हाँ ठीक है, ठेकेदार नहीं बोतल ले आओ, बोतल दे दो उसको। फड़ा दो ये कह दो, बाहर जाओ ये लीजिए और बाहर चले जाओ। बस चलो जाओ, क्या देखते हो पागल हो जाओगे, समझे? गेट आओ जाओ। ए दादा तोताराम, बोलिए बेटी क्या बात है? ये चिट्ठी बंबई जाएगी, आप जरा इसे लाइटर पर सिम डाल देना। देखिए लाइटर पर किसका मुंह पाट रहा, मैं खुद बंबई जा रहा हूँ। ये चमन के पास जाएगी, पहुंचा दूंगा। ठीक है ओके। अरे भाई क्यों बाबू, कौन सी कुर्सी है? ये सामने वाली है। सामने वाली जी हां। चमन बाबू है यहाँ? भाई से कौन ही, तो दोनों हाथों में बड़े बदतमीज मिलते हैं रास्ते में भाई। चमन बाबू है भैया? हेलो चमन बाबू, एक मदन की चिट्ठी है, आपके घर से एक चिट्ठी आई हुई है, अगर कमरे पर हो तो नीचे जल्दी से जल्दी आ जाएं। लाल जी ओहो नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे घर से चिट्ठी आई है। हाँ जी मैं जान गया। ये जान गए? मेरी माँ की चिट्ठी है ये, पता नहीं माँ की है बाबू की। रप्पा डल्पा पा चिट्ठी रखोली भाई ऊपर लीलो नाम लिखा। अच्छा भाई तेरी माँ का नाम लीलो है? बेपता ढोली ना किस्मत में आराम लिखा। देख लो कविता के ढंगने लोगों कावड़े बिदा के रंगने, कावड़े बिदा के रंगने। अरे गुरु दर पत्थर ने एक राई टोली
एक रोतक धोरा हराम काम लिखा भाई साहब जैन भाई साहब मेरे सज्जन साहिबान चमन का दोस्त था एक रोड़े खत्री का रमेश उसके पास पहुंचा भाई साहब हमारे घर से बहुत तगादे की चिट्ठी आई है वैसे ठीक ठाक है मैं गाँव ठीक ठाक है अच्छा तू एक काम कर बोलो 5-7 रोज इन बच्चों ने पढ़ा दिए मैं अपने घर जाता हूँ कोई बात नहीं शौक से जाओ इन बच्चों को मार संभालूंगा मेरे साहिबान लीलो की चिट्ठी देखते ही वापिस चमन लाहौर की तारी करता है अब रास्ते में उसका छोटा भाई जो किशन था पैर से लंगड़ा था वो मिल जाता है और अपने घर के हाल को सुनाता है सवाल अरे बाबूजी अरे बाबूजी पैसा दो भाई साहब अरे बाबूजी पैसा दो बाबूजी पैसा दो अरे भाई साहब मैं आ गया हूँ तेरा भाई चमन हूँ भाई साहब क्यों रोता एक बात बता अरे तू रोवे क्यों है भाई साहब माँ कहाँ है रोने के लिए तो आपने छोड़ दिया हम माँ किससे भाई साहब हाँ मैं सारी बात बताऊंगा माँ किससे चल बता ओ रबूल गया चमन भूल गया चमन और हमने तेरी आस ना रही ओ रही सदर में ओ गुंजा सना एर रही हो भूल गया ਏਰ ਬੜਾ ਬਡੇਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਗਰਮ ਚਾਚਾ और बड़े भाई ने और तू जाने उस कैसा और कमाऊ ना और इस घर में गुंजा सना रही रे अपने तेरी और आसना रही ओ बालक और माँ बुढ़ी और दोनों बैठ के खावनिया वो तने ते हमारी खबर लेना और था कौन कमावनिया और कोई तक हमारे पास ना रही रे और इस घर में माँ के बारे में पूछ रहे थे आप माँ ने पूछू माँ किससे भाई मैं बताता हूँ भाई साहब माँ क्या कर रही है और मैं बालक की और माँ बुढ़ी पेट कमा कबर रही से रे बहादुर रही सके मेरी माँ तो नौकरी कर रही से जो कदे किसे की दास ना रही रे हमने तेरी दास ना रही हो लकड़ू लोग से यार दुनिया बीच में खोल हो दल पशंगे नंदाने के समय समय के मोल हो एक समार मास ना रही रा रम ने तेरी आस ना रही भूल गया चमन हो भूल गया चमन भाई साहब चौथी बात में के कया असल तो मैंने तू सारी सुना दे भूल गया चमन जागे भूल गया चमन हमने तेरी आस ना रही तन्ने मारी ख्यास ना रही मैं बालक और माँ बुढ़ी दोनों बैठ के खावनिया तन्ने ते मारी खबर ली ना और था कौन कमावनिया इस घर में गुंजास ना रही तन्ने मारी ख्यास ना रही नंबर दो मैं बालक और माँ बुढ़ी
पेट कमा का भर रही है। अरे राय बहादुर रही इसके मेरी माँ तो नौकरी कर रही है, जो कदे किसी की दास ना रही, हमने तेरी आस ना रही। नंबर चार सुना, मांगण लिखड़ू लोग से दुनिया बीच में खोलो, धनपत सिंह निंदाने के समय समय के मोलो, एक समो हर मास ना रही, तन्ने मारी ख्यास ना रही। भाई साहब तू तो जाके भूल गया, समय समय के मोल हो, एक समय हर मास ना रही, दस दिन सुख के आ जा, दस दिन दुख के आ जा, दुख के आ जा भाई, ये बात है ना। भाई साहब एक बात तो रोवे ना, नू बता माँ कित से? माता राय बहादुर इसका नौकरी कर, राय बहादुर इसका नौकरी करती है भाई साहब, ये घर की हालत हो गई, ना खाने के लिए अन्न है, ना नहीं पीने के लिए पानी है। एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं माँ दूर जाता हूँ। ठीक है भाई साहब, खाने।